गुड मॉर्निंग, फिर से आकाश कुमार आपके सामने हाजिर है। आकाश सर, भगत सर, जो भी बोलिए। देखिए, मैं आज आपको इतना इम्पोर्टेंट, इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कि आप खुद सोचिए कि मैं, देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो लैंड यानी एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी, हम उसे अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं जो भी है पैसों के लिए। डोमेस्टिक लैंड प्रॉपर्टी होती है जो खाली ज़मीन होती है वो। बैंक बैलेंस यानी पैसे हमारे बैंक में होते हैं या गोल्ड केस में होते हैं या घर बंगलो फ्लैट सिस्टम जो भी है, हमें लगता है कि ये यही सब प्रॉपर्टी है। नहीं, इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हर देश में इसका एक अलग से विभाग होता है, कॉमर्स के साथ होता है या फिर कोई दूसरा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी है क्या, ये क्या चीज़ है, ये है आपकी प्रतिभा या स्किल। उसको अगर आप रजिस्टर करते हैं, अच्छे से सुनिए, अगर आप अपनी प्रतिभा को, अपने स्किल को रजिस्टर करते हैं, उसको जतन रखते हैं, जतन रखिए, इसलिए मैंने इसे लिखा है कि आप अपने स्किल को ऐसे ही किसी को मत बताइए, ठीक है, आप उसको जतन कीजिए और उसके ऊपर बिजनेस कीजिए, फिर देखिए आपसे आपका आइडिया कोई चोर नहीं सकेगा। अगर वो चोरता है तो उसको पनिश किया जाएगा। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं टॉप के, उनको हायर करती है, बड़े बड़े पैकेजेस देती है, ये गलत नहीं है, लेकिन वो तो वो करेगी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि हम बाकी जो है वो कब करेंगे, ये हमें भी हक है। सिर्फ कंपनी क्यों पेटेंट करेंगे, हम भी पेटेंट करेंगे। इस सिलसिले में मैं कितने दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ इसी चीज़ को बताने के लिए, शायद वो उन्हें पसंद भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उसका कोई गिला शिकवा नहीं, मैं अवेयरनेस लाऊंगा। आप इससे ज़्यादा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, आपको बिजनेस करने में आसानी होगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप आपके लॉयर से पूछिए ये क्या होता है, या फिर मुझसे पूछिए, और इसमें बहुत सारे हैं लोग जो आपको मदद करेंगे। मैं SG मिसाइल एकेडमी से आकाश भगत, आकाश कुमार या भगत सर जो भी है, आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपको कम से कम पैसे में जो भी गवर्नमेंट की फ़ी है उसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत लेके, बस उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे, और आपको उसी रिलेटेड बिजनेस में भी हेल्प करेंगे। और मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको मेरे से सस्ता ये सब कोई भी बता नहीं सकता, अगर बताता है तो बिल्कुल उससे भी करिए, यही मेरा काम है, अवेयरनेस लाना इस चीज़ के लिए, ठीक है, ओके। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।